लड़कियों की इमेजिनेशन पार अच्छी होती है, लड़कियां एक्सप्रेसिव बहुत होती हैं, इसलिए उनकी एक्टिंग या उनके एक्सप्रेशन ज्यादा अच्छे से निकल के आते हैं। बस सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे JoinFilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। आज हूं हप्पू सिंह की अल्टन पल्टन के सेट पर। यहां पर जितने भी किरदार हैं जो आपको हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, बहुत ही मनोरंजन करते हैं, उनके साथ मिलने आए हैं। और मेरे साथ अभी हैं कैट आशना किशोर। कैट के नाम से आप इनको जानते हैं, वैसे इनका नाम है आशना किशोर। वेलकम टू JoinFilms। थैंक यू सो मच। ये जो कैट है ये क्या है? केट जो है। अच्छा, मेरी इंग्लिश ही ठीक कर रही है। ठीक है। हाँ, जिसकी खुद की इंग्लिश काफी खराब है। हाँ। वो बेसिकली कानपुर की पू है। मतलब कि आपने कभी खुशी कभी गम देखी होगी, जैसे उसमें करीना कपूर खान है, वो जैसे एकदम यू नो आई एम द वन, आई एम द ओनली वन। सो ये वो है। प्लस ये हप्पू की पहली औलाद है, पहली जो पल्टन जो शुरू हुई है, पल्टन यहाँ से शुरू हुई है। तो ऐसी है। और उसको सजना संवरना काफी पसंद है, और उसको इंग्लिश में बात करना काफी पसंद है, लेकिन वो शायद ये समझ नहीं पाती कि उसकी इंग्लिश कुछ ठीक नहीं है। वो काफी ट्राई करती है पर बोल नहीं पाती। लेकिन वही तो एंटरटेन करता है फिर चीजों को। एग्जैक्टली। लोगों को, क्योंकि ज्यादातर लोग जो इंडिया में रहते हैं उनकी इंग्लिश की कुछ ऐसी तंग हालत है, तो वो शायद रिलेट भी कर पाते होंगे। बट यू नो मी स्पीकिंग इंग्लिश, बट मी अंडरस्टैंडिंग नॉट टेलिंग व्हाट यू अंडरस्टैंडिंग मी ट्राइंग टू टेल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। Yeah. Okay. This is how Kate speaks. Okay. तो ये जो नाम है केट, ये क्यों ऐसा है ना? Okay, सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मेरा असली नाम है कटोरी। कटोरी। कटोरी मुझे नाम मेरी दादी से मिला था, क्योंकि as होता है कि मतलब घर के पहले बच्चे को उसकी दादी या नानी, दादा दादी का नाम मिलता है, तो मुझे मेरी दादी का नाम मिला। बट यार मेरी इमेज के साथ में कटोरी नाम नहीं जाता, सो आई डिसाइडेड कि मैं उसको केट में बदल दूं। और सबको मैं बताती हूँ कि हाय मेरा नाम केट है। तो अगर कोई मुझे कटोरी बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ प्लीज डोंट कॉल मी कटोरी, आई एम केट। अच्छा, मतलब ये करेक्टर पूरी तरह से होता है ना कि मैं खुद की फेवरेट हूँ। Exactly. उस तरह से कहा है। तो ये जो करेक्टर है ये क्या आपकी ओरिजिनल जिंदगी पे भी वैसा ही? मैं खुद की फेवरेट हूँ, हाँ, ये टैगलाइन मेरी लाइफ के साथ तो काफी ज्यादा मिलता जुलता है। बट ये कि मेरे इतने छोटे बहन भाई हैं, मैं रियल लाइफ में सबसे छोटी हूँ, हम चार बहन भाई हैं। और मैं पहले बहुत प्रे करती थी, यार भगवान जी, मम्मी पापा, मुझे एक छोटा एक छोटी बहन कुछ तो दो। शो ज्वाइन करा, उसके बाद मैं बस शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरा कोई छोटा या छोटी बहन भाई नहीं है, यहाँ पर है, इतने हैं, काफी है बस। तो भगवान ने सुन ली, भले ही सीरियल में सुनी, रियल लाइफ में नहीं सुनी तो रील में सुन ली, लेकिन हो गया। लेकिन आप क्या बचपन से ऐसी थे? यार मेरी इंग्लिश तो नहीं थी। हाँ, मैं पापा की परी जरूर रही हूँ, जैसे शो में हूँ हप्पू जी की। और हाँ, मुझे सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे कि हाँ आई एम द बेस्ट, आई एम द ओनली वन, मैं ऐसी ही हूँ अपने लिए, अपनी लाइफ में। ओके, तो अब मतलब बहुत ज्यादा आपको यहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी, करेक्टर सेम टू सेम जा रहा है तो? बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, मेरी असली इंग्लिश खराब हो रही है। आप मेरे को एक्टर से पूछिए, मैं उनको लिटरली मैं कुछ भी बोलती हूँ, मैं कंफर्म करती हूँ मैंने सही बोला है, खराब हो रही है। तो कभी कभी करेक्टर इतना भी हावी हो जाता है कि वो लैंग्वेज पे भी करता है। तो आपने कभी फॉर्मल ट्रेनिंग ली? नेवर। कभी नहीं? कभी नहीं। तो फिर कैसे एक्टिंग में? हम मजबूर करते हैं एक्टिंग करने के लिए। देखिए, हम बुरा भी करते हैं तो कुछ अच्छा ही करते हैं, किसी का काम हो रहा है। प्लीज, लड़कियों की इमेजिनेशन पार अच्छी होती है, लड़कियां एक्सप्रेसिव बहुत होती है, इसलिए उनकी एक्टिंग या उनके एक्सप्रेशन ज्यादा अच्छे से निकल के आते हैं। बस ये इसमें लड़का या लड़की का होना कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन लड़के ये सीख सकते हैं कि आप भी इतने अच्छे एक्सप्रेसिव होंगे, इमेजिनेशन पावर अच्छा होगा, ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा होगा, तो आप लोग भी एक्टिंग अच्छे से कर सकते हैं नेचुरली। ओह यार, ये सीखते हैं। ओके, तो इससे पहले क्या क्या किया आपने आशना? इससे पहले सबसे पहले तो मैं 2013 में जैसे बॉम्बे आई थी, मुंबई आई थी, सो मैंने एपिसोडिक से स्टार्ट किया था। एंड उसके बाद में मैंने जी टीवी का शो करा, दैट वॉज महारक्षा कारण, उसमें मैंने केमियो करा था। ओके, फिर मुझे ब्रेक मिली डेली सोप में, राजन शाही जी का शो था तेरे शहर में, जो कि स्टार प्लस का शो था, वो मैंने किया डेली सोप। उसके बाद में जिसमें मैं एकदम सती सावित्री टाइप की थी। फिर मुझे अगला शो मिला बैक टू बैक अगेन उसमें स्टार प्लस का, दैट वाज मेरी दुर्गा, जिसमें कि मैं एकदम ऑपोजिट हो गई, आई वाज प्लेइंग द नेगेटिव कैरेक्टर। तो उसके बाद में स्टार प्लस का शो मेरी दुर्गा के बाद में, अब मैं यहाँ पर हूँ हप्पू की उल्टन पल्टन में, जहाँ पर मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मैं बिंदास अपनी तरीके से रोल कर सकती हूँ। ओके, तो सती सावित्री, फिर नेगेटिव, अब कॉमेडी। यस। कैसे डिफरेंशिएट करते हो खुद को, कैसे लगता है, कौन सा अच्छा लगा ट्रैक?
मुझे सारी कैरेक्टर्स अच्छे लगे सबसे पहली बात, और लगता था कि हाँ यार मैं नहीं कर सकती या ये शायद मेरे लिए इजी होगा. सब अलग अलग, सब डिफिकल्ट. मैं खुश नसीब अपने आप को फील करती हूँ कि मुझे बैक टू बैक अलग अलग किरदार निभाने को मिल रहा है. मैं किसी एक जॉनर पे नहीं हूँ अटकी हुई. तो मुझे एज एन एक्टर एक्सप्लोर करने का काफी मौका मिला. तो बीइंग एक्टर, क्योंकि आपने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, अलग अलग कैरेक्टर मिले, तो क्या आपने डायरेक्टर के सामने खुद को सरेंडर किया कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, परसेप्शन है, उसको समझ के बस मैं प्ले करूँ एक्ट? ऑफ कोर्स मैं मतलब डायरेक्टर का भी सुनती हूँ ऑब्वियसली कि वो क्या चाहते हैं, स्क्रिप्ट की क्या डिमांड है. एंड मैं अपने कैरेक्टर को मैं ट्राई करती हूँ कि जैसे रियल लाइफ में जो लोग हैं, कि अगर आप हैं तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे, आप कैसे बात करेंगे. मैं उस चीज़ को ऑब्जर्व ज़्यादा करती हूँ और मैं वही ट्राई करती हूँ कि मैं लोगों के सामने वही एक्सप्रेस करूँ. क्योंकि लोगों को अगर मैं ये दिखाऊँ कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, सर वो एक्टिंग करने का मेरा कोई फायदा नहीं. वो जितना नेचुरल लगेगा उतना मेरे लिए अच्छा. मतलब ऑब्जर्वेशन आप ज़्यादा करते हैं और उसी का आपको फायदा मिलता है. ओके, ये हप्पू सिंह तो आज से हप्पू सिंह नहीं है, काफ़ी सालों से हप्पू सिंह फेमस हो चुके हैं. तो जब ये रोल मिला, किस तरह से मिला, किस तरह से क्या लगा? मुझे फोन आया था कि आइए ऑडिशन दीजिए. एंड आई वाज लाइक ओके आइए बट सो मुझे पहली बात तो मुझे नहीं पता था कि मेरा इतनी जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा. तो आई थिंक मैं जब आई मेरा ऑल ऑफ अ सडन लाइक मैंने एक ऑडिशन दिया, सिलेक्शन हुआ, नेक्स्ट डे शूट ऐसे स्टार्ट हुआ. मेरे को बात करने का मौका नहीं मिला किसी से भी. तो मुझे मतलब मैं क्या कहते हैं, ओपन अप नहीं हो पाई किसी से भी. मेरी आईज वहीं थी, वो ब्रेक नहीं हो पाई थी. तो मैं जब सेट पर आई थी, आई वाज लाइक कि हाँ यार कैसे होंगे लोग, क्या होगा, नई टीम है ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि एकदम सिलेक्शन हो गया. बट देन व्हेन आई केम हियर ऑन सेट, आई मेट कामना जी माय मामा, देन आई मेट ज़हरा हु इज प्लेइंग मलाई, एंड ऑफ कोर्स हप्पू जी. यार ये तीनों मिले तो मुझे, टू बी ऑनेस्ट आई स्वेयर, मुझे एक मिनट के लिए नहीं लगा कि मैं इनको पहली बार मिलूं. दे वर सो कंफर्टेबल, द बेस्ट पार्ट इज, और जैसे इसमें हम फैमिली की तरह रह रहे हैं, तो डे वन से इट वाज लाइक फैमिली. मुझे एक बार भी ऐसा लगा कि यार कोई बाहर का है या किसी पराये के साथ कर. हप्पू सिंह का कैरेक्टर अपने आप में इतना बड़ा हिट था, उसके बाद उनकी जो मदर प्ले कर रही हैं वो भी इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं, इतनी सीनियर एक्ट्रेस हैं, तो ऐसे लोगों के सामने जब एकदम से चांस मिलता है तो क्या नर्वसनेस होती है? ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत तो होती है, बिकॉज वो हमसे कितने सीनियर एक्टर्स हैं सबसे पहली बात, और आई थिंक उनको ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा पता है. तो मैं इस चीज़ में मानती हूँ कि हाँ मुझे उन लोगों से सीखने को काफ़ी मिलता है, क्योंकि जैसे हिमानी शिवपुरी जी हैं तो उन्होंने कितना काम करा है. तो मैं लाइक आई फील ब्लेस्ड एंड आई एम ग्लैड दैट शी इज प्लेइंग माई दादी. एंड मुझे उनसे छोटी छोटी चीजें, जैसे उनके कुछ एक्सप्रेशंस है, आई लव हर एक्टिंग ऑफ कोर्स. उनको भी ऑब्जर्व करते हो? ऑब्वियसली आई डू. ओके, कि कभी मुझे कुछ करने को ऐसा मिला तो. एंड देन हप्पू जी हैं, हप्पू जी कितने अच्छे हैं कॉमेडी में. उनका आपको पता है कि कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, और कॉमेडी उनका हाथ नहीं पकड़ सकता, और हम भी कॉमेडी शो कर रहे हैं. तो मैं कहीं ना कहीं उनके भी वो सब चीजें देखती हूँ कि हाँ क्या मुझे यू नो बैक टू बैक ऐसे आंसर करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ताकि मेरी भी एक्टिंग अच्छी हो, अच्छी हो जाए. ओके, हिमानी शिवपुर जी का पहले से इंटरव्यू अवेलेबल है, उसको जरूर देखेगा. योगेश त्रिपाठी जी का भी इंटरव्यू अवेलेबल है. मैं पूछना चाहूंगा आपसे आज ना, कि जो शशांक बाली जी हैं वो बिल्कुल एकदम शांत, एकदम कूल रहते हैं, वो आपसे कॉमेडी कैसे करवा लेते हैं? क्या स्टाइल क्या है उनका कि उनकी हर कॉमेडी हिट होती है? यार अगर मैं आपको यही बता दूंगी तो शशांक बाली जी के बारे में लोग ऐसे कैसे बोल पाएंगे कि यार वो कैसे कर लेते हैं. अगर मैं इसका राज ही बता दूंगी, इसको राज ही रहने दो तो अच्छा है. मैं इतना जानती हूँ दैट ही इज अ ग्रेट मैन, ही इज अ ग्रेट ह्यूमन. एंड मैं फर्स्ट टाइम उनके साथ काम कर रही हूँ, इस प्रोडक्शन हाउस के साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ. और मैंने शशांक जी के बारे में ऑब्वियसली सुना था, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स ने काफी उनके साथ काम करा था. तो मुझे लगा था कि वो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है. वो काफी कूल है, वो काफी अच्छे से समझाते हैं. और बाकी मैं कुछ नहीं बता रही वो कैसे कराते हैं काम. तो शशांक बाली जी का भी इंटरव्यू पहले से अवेलेबल है, उसको देखिएगा. और अब बात करते हैं राइटर मनोज संतोषी. उनकी जो एक अजीब सी और अच्छी सी कला है वो ये कि आसपास की छोटी छोटी चीजों से ह्यूमर पैदा करते हैं. बीइंग एक्टर आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है. हम लिटरली जब सीन्स हमारे लिए आते हैं, मनोज जी जब लिख के भेजते हैं, तो यार हमें कभी आप रीडिंग रूम में देखिए तो आपको पता चलेगा कि हम किन किन चीज़ों से गुजरते हैं. हम कितना इजीली आपको दिखा देते कि हाँ यार ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, लेकिन जो हमारी हंसी होती है, हम जो कंट्रोल करते हैं, रीडिंग रूम हो गया, या फिर कभी आई होप मैं कभी बिहाइंड द सीन्स डालूं, या ये लोग आके शूट करें,
तो मतलब हम खुद गिर रहे होते हैं कि हम क्या कर क्या रहे हैं ये। ओके मतलब पढ़ते टाइम ही मजा आ जाता है। ऑफ कोर्स। ओके। हम लिटरली ऐसे अरे सर कैसे करेंगे कैमरा पे सर हंसी आएगी सर ये सर वो। तो बस बाकी कर लेते हैं बाकी सीन्स तो अमेजिंग लगते हैं नो डाउट। अच्छा एक बात और आप 2013 में आई हैं अप्रॉक्स 14 से आप काम कर रहे हो लगातार 13 से ही काम कर रहे हो बहुत जल्दी जल्दी काम भी मिला तो क्या लगता है अपॉर्चुनिटीज हैं वाकई बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में। अपॉर्चुनिटीज हैं ऑफ कोर्स बट उसके उससे ज्यादा आई थिंक कि एक इंसान में टैलेंट होना जरूरी है और आप अपनी फील्ड अपने टैलेंट के हिसाब से ही सिलेक्ट करें मेरा ऐसा मानना है क्योंकि आई थिंक कि ये ऐसी ग्लैमरस इंडस्ट्री है जो दूर से सबको लगता है ओ माय गॉड इट इज़ वेरी इजी यू नो आप आओगे यू विल गेट वर्क एंड इजीली हो जाएगा बट इट इज़ नॉट बिकॉज आई थिंक यहाँ पे मेरे अलावा भी हजारों लाखों टैलेंटेड लोग हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग सो आई थिंक आप अपने हिसाब से देखें कि अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रगल के लिए रेडी हैं एंड आपको लगता है एज एन एक्टर यू कैन यू नो स्टैंड एंड यू कैन डू थिंग्स आइए कीजिए काम बट ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर सेफ एंड आप जहाँ भी काम कर रहे हैं आसपास सब सराउंडिंग वो सब सेफ हो। ओके हप्पू सिंह की अल्टन पल्टन के बाद और उल्टन पल्टन उल्टन पल्टन के बाद अब और क्या क्या करने वाली हैं आप? यार मैं फिलहाल यही शो करने वाली हूँ मुझे और कुछ नहीं पता मैं अपने आप को सरेंडर कर चुकी हूँ शो के लिए क्योंकि मैं एज अपना कैरेक्टर जो मेरा केट है मैं चाहती हूँ आपको मैं अपना 100% दूँ तो मैं इधर उधर कुछ और करके फिलहाल मैं उसको अपनी राह से डगमगाना नहीं चाहती हूँ बाकी अगर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ऑब्वियसली आई विल डू समथिंग गुड बेटर। ओके ठीक है वेरी गुड बहुत अच्छा लगा केट कैट नहीं आशना से बात करके बहुत अच्छा लगा तो ये थी आशना किशोर जिन्होंने आपको पूरी वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई अगर उसको कंक्लूड कर दूँ तो वो ये कि अगर आपके अंदर नेचुरल एक्टिंग है आप उसको एंजॉय करते हैं तो आप काम कर सकते हैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं लेकिन आपको ऑडिशन देने पड़ेंगे आपके अंदर टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह कि डायरेक्टर के ऊपर सरेंडर करना विश्वास करना बहुत ज़रूरी है एज एन एक्टर तभी आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। दूसरी बात ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है आप सीखिए कि कैसे वो हिमानी शिवपुरी को भी ऑब्जर्व करती हैं और सोचती हैं यही काम होता है एक्टर का कि वो अलर्ट रहे फोकस्ड रहे अपने काम के प्रति तभी वो इतना हिट हो सकता है इतना कार्य उसको मिल सकता है। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो राइटर बनना चाहते हो फिल्म मेकर बनना चाहते हो सिंगर बनना चाहते हो आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए देखते रहिए सीखते रहिए जमे रहिए ऑल द वेरी बेस्ट।